पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सड़कों पर रानी लक्ष्मीबाई की झलक देखकर सभी भावुक हो गए। रानी लक्ष्मीबाई के सजीव जीवन परिचय के प्रस्तुतीकरण को देखकर सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। राष्ट्र सेविका समिति तरुणी विभाग मुरादाबाद महानगर की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाओं और स्कूल कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तरुणी प्रमुख ऋचा जी और मुख्य वक्ता ब्रज प्रांत बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर मालती ग्रीजी और मुख्य अतिथि सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह रही। कार्यक्रम में प्रांत कार्यवाहक सकुंज बाला, शारीरिक प्रमुख ममता सक्सेना, नगर कार्यवाही का कमलेश गोयल उपस्थित रही। शोभा यात्रा का शुभारंभ पंचायत भवन से शुरू हुआ और गोरट्टी चौराहा टाउन हॉल होते हुए प्रेम चुनरिया बुद्ध बाजार पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर झांकियां प्रस्तुत की गयी। सभी बालिकाओं के द्वारा योग, जाप, दंड, खड़ग, तलवार, पगड़ी पहनकर हर्षोल्लास के साथ सहभागिता की गई। जगह जगह पर शोभा यात्रा का पुष्पगुच्छ तथा फूल वर्षा करके स्वागत किया गया। इस दौरान जिसने भी इसे शोभा यात्रा को देखा बस देखता रह गया। मनमोहक दृश्य देखकर सभी ने बालिकाओं का उत्साह वर्धन किया और फूल बरसा कर उनका स्वागत किया गया। आज का कार्यक्रम राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा आयोजित किया गया था, राष्ट्र सेविका समिति के तरुणी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। और राष्ट्र सेविका समिति का मानना ये है कि यदि देश को सशक्त करना है, राष्ट्र को सशक्त करना है, तो यहाँ की आधी आबादी यानी कि यहाँ की तरुणियाँ, यहाँ की युवा पीढ़ी सशक्त होनी चाहिए, तब ही राष्ट्र सशक्त होगा। इस हेतु से आज का कार्यक्रम था। कैसा नज़ारा रहा, क्या देखने को मिला जो मुरादाबाद में जो कार्यक्रम आयोजित रहा? आज का ये कार्यक्रम शोभा यात्रा के लिए बच्चियां निकली हैं और उनमें साहस, वीरता, देशभक्ति की भावना ये प्रज्वलित हो, इस हेतु से ही ये कार्यक्रम है। और उद्देश्य भी तरुणियों में आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है, उमंग है और वो देशभक्ति के लिए तैयार हैं। रानी झांसी की रानी जैसे वीरांगना थी, उसी तरह से वीरांगना बनना चाहती हैं, इस तरह के भाव उनके चेहरों पर देखने से मालूम हो रहे हैं। इसलिए और राष्ट्र सेविका समिति का, तरुणी विभाग का यही उद्देश्य भी है और मेरे ख्याल से उद्देश्य को पूर्ण करने में तरुणी विभाग सफल रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।